अभी झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज है। इसी चुनावी सरगर्मी के बीच आज हम लोग जा पहुंचे हैं खिजरी विधानसभा के आजसू के भावी प्रत्याशी के पास और इनसे जानेंगे इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला और बचपन से लेकर आज तक का सफर, राजनीतिक सफर कैसे तय किया और इतना बड़ा फैसला इन्होंने कैसे ले लिया। क्योंकि बचपन से लोग देखते आते थे कि सरकार की योजना एक आम आदमी के पास नहीं पहुंच पाता था, जिसके पास पैसा होता था उनके पास योजना का लाभ मिलता था, जैसे ब्लॉक जो हो गया आपका एक राशन दुकान की तरह हो जाता था, अगर हम 3,000 देते हैं तो इंद्रावास मिलता था, 1,500 देते थे तो वृद्धा पेंशन मिलता था। इस तरीके से हम देख पाते थे कि गरीब आदमी को सरकारी की योजना बिना पैसे का हो नहीं पाता था। तो मैंने तय किया कि अगर हमें मौका मिला तो मैं इन चीज़ों को भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का। पहला पॉइंट इनका है भ्रष्टाचार को खत्म करना, इसलिए चुनाव लड़ रहा है। दूसरा पॉइंट, दूसरा है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे पढ़े लिखे नौजवान प्रतिभावान लोग रहते हैं, बावजूद उनके पास शिक्षा होने के बावजूद उन रोजगार से वंचित हो जाते हैं। शिक्षा और रोजगार दूसरा पॉइंट इनका है। और झारखंड का जो जल जंगल जमीन पर लगातार हो रहे हमले पर हम चाहते हैं कि इस पर रोक लगे ताकि यहाँ के लोग मान सम्मान स्वाभिमान की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसकी रक्षा हो सके। जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए और यहाँ के लोगों की भला करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये इनका तीसरा मुद्दा है। लेकिन इन्हें ये चीज़ याद रखना होगा, हम भी सरकार में हैं, सिर्फ मौसम वैज्ञानिक बन के नहीं, काम के बदले। चौथा, भले हम सरकार में रहें लेकिन जब भी सरकार कोई गलत निर्णय लेती है तो आजसू पार्टी हमेशा उसका सरकार में रहने के बाद उसका मुखर विरोध करती आई। सुदेश जी की भाषा बोल रहे हैं, जरूर पार्टी के सिपाही तो पार्टी की भाषा ही बोल रहे हैं। चौथा पॉइंट यह है कि आज तक मतलब झारखंड के लोगों के साथ जो वर्तमान में जो सरकार बनी थी, चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, चाहे यहाँ के जितना भी निविदा कर्मी हैं उनके साथ सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा, क्योंकि उनका एक मजदूर जो होते हैं उनका शोषण किया जा रहा था, उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पाया। ये तो चुनावी मुद्दे हैं, आप इस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? हम एक साधारण किसान परिवार से आते हैं, किसी तरह बाल मतलब किसी तरह माँ पिताजी मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया है हमारी, और हम भी रांची में किसी से मास्कम किए हुए हैं बहुत अच्छा, क्योंकि हम मास्कम भी अच्छा से ही कर रहे थे, वहाँ भी लोगों की लड़ाई हम लड़ सकते थे, लेकिन हमको वहाँ लगा कि वहाँ रखे हम जनता को उसका जनता का सेवा नहीं कर रहे, इसलिए जनता की सेवा करने के लिए आ गए। दूसरी बात कि हम नौकरी कहीं भी कर लेते तो उससे मेरा एक परिवार चलता, सिर्फ मेरा परिवार चलता, लेकिन अगर हम विधानसभा में एक विधायक के रूप में आते हैं तो हम अपने क्षेत्र के जनताओं का मतलब उनका रोजगार के लिए हम कई घरों को चलाने के लिए हम जिम्मेवार हैं। आपने आजसू पार्टी क्यों चुना? आजसू पार्टी छात्र नौजवानों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, महिलाओं की पार्टी है। आजसू पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो यहाँ के लोगों को मान सम्मान देती है, क्योंकि इस उम्र में इस समय में अगर आजसू पार्टी अगर हमें जिला प्रवक्ता बनाया है तो एक दूसरे दल इस उम्र में केवल एक आम कार्यकर्ता बनाता है, जबकि इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, सम्मान दिया है, उसके लिए हम पार्टी ने आदेश दिया है आपको चुनाव लड़ने का? पार्टी का ऐसा कोई आदेश नहीं है, पार्टी हम अपने क्षेत्र में कार्यशील हैं और पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम पार्टी पर ही छोड़ दिए हैं। अगर पार्टी हमको उस नज़र से देखती है, अगर हम इस क्षेत्र में इस उत्तरदायित्व को इस दायित्व को अच्छे तरह से संभाल सकते हैं, हमें अगर क्षमता है तो पार्टी की नज़र है, पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उस पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हैं। आप इनके साथी हैं, क्या चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, प्रयास तो करना चाहिए, आपने खिजरी विधानसभा के लिए आपने इतना सहयोग दिया है, टाइम दिया है, तो इसके लिए तैयारी करना चाहिए। रोशन जी, क्या मुद्दा होगा? रोशन जी जो आपको बताएं वो सही होना चाहिए, वही मुद्दा वही होना चाहिए। क्या मुद्दा होना चाहिए भाई साहब? मुद्दा को लेकर मैं भी इनके साथ सहमति जताता हूँ, क्योंकि यही मुद्दा मेरे बेसिक जो है झारखंड के सब लोगों के साथ, शिक्षा रोजगार भ्रष्टाचार, बिल्कुल बिल्कुल तीन मुद्दा है जी। क्या मुद्दा है? तीन मुद्दा जो रोशन भैया बोले हैं। रोशन भैया आप बोलिए। शिक्षा, बेरोजगार, बहुत ऐसा है जो कि कुछ पब्लिक, कुछ आजसू के कार्यकर्ता का और
भावी उम्मीदवार का भी यही कहना है कि शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, ये मेन मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि अगर मैं कहीं नौकरी करता तो मेरे एक परिवार का घर चलता, लेकिन अगर मैं विधायक बनता हूँ तो इस और विधानसभा तक पहुँचता हूँ तो इससे पूरे विधानसभा के लोगों का, हजारों लोगों का घर और चूल्हा जलेगा। ये मेरा सपना है, इस सपने को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसके बाद पार्टी के ऊपर निर्णय है कि इन्हें विधानसभा तक भेजने का इच्छा है या नहीं है, ये पार्टी निर्णय लेगी। गांव की शासन व्यवस्था गांव के लोगों में होना चाहिए, कि हमारा भारत का संविधान भी कहता है लोकतंत्र, लोकतंत्र लोकतंत्र जो है लोगों के लिए है और लोगों के लिए होना चाहिए। उसी तरह ठीक हमारा गाँव, गाँव में भी कोई नीति बने, कोई पॉलिसी बने, गाँव की योजना गाँव में बने। योजना जो बनते हैं दिल्ली बनते हैं, दिल्ली में जो योजना बनती है गांव में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए अबुआ दिसुम, अबुआ राज का सपना हमारे झारखंड में साकार होना चाहिए। ये आशू पार्टी और हमारे क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि गांव का शासन, अपना शासन गांव के लोग ही शासन करें, जिससे अबुआ दिसुम, अबुआ राज का सपना साकार हो सके। रोशन लाल मुंडा जी थे हमारे साथ, भावी प्रत्याशी आजसू के, खिजरी विधानसभा। धन्यवाद।